एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप टीचर साग लग गया साग हाय हाय तो लगता है कोई आउटफिट में तो चंगा नहीं लगता यार ऐसी करनी है ठीक हो जाओ तंदुरुस्त हो जाओ तो ही हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा हो जाता है, पर या आज मैंने स्मोकी आई लुक की है यूनिवर्सल, जो कि किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बिंदी भी पहन ली है। और अब मैं जाने वाली हूँ डाउन स्टेयर, पर आज मैं अपने मेकअप को रिमूव करके नहीं जाऊँगी, ऐसे ही जाऊँगी और मेरे खूबसूरत नॉट खूबसूरत हैंडसम पति की रिएक्शन लेंगे मेरे इस इंडियन लुक के लिए, जो कि मुझे पता है कि फुसी होगी, पर फिर भी हम लेंगे, हम अपनी तरफ से जोर लगाते रहेंगे। और मैं ये दुपट्टा भी लेके जाने वाली हूँ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मैं तो रिएक्शन ले रही हूँ, एक मिनट रुको। मैं तो तशरीफ फरमा रहा हूँ। तू तो पूजा क्या हो गई? कुछ को लुक एट मी, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना प्यारी। ये ना सोच के मैं कुछ इदा दा बोला कि लोकी मेनु प्यार कर ला पन, सच बोल, खुदा दा खौफ कर बंदिया। अलादीन दे कोई चिराग चो निकली हुई परी लगदी पई है। जीनी ओ बक्सूरत जिया जीनी। ओ यार मेरे बाल जीनी भर गए हैं आज। ओके, लुक एट माय आउटफिट एंड लुक एट माय पजामा। सो पति को इतनी फीलिंग नहीं आएगी मुझे लग रहा है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ओके दोस्तों, तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड किया है अपस्टेयर अपनी वीडियो शूट करने के लिए, और हस्बैंड एंड हिम्मत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है घर को डिजास्टर करने के लिए। इतने इन्निया ज़्यादा ब्लैंकियाँ हैं जिदा इतने विह ही और बिस्तरे इकट्ठे किए गए हैं। इदा इन्होंने बिस्तरे इकट्ठे किए हैं दोस्तों। जड़िया जनानियाँ होती हैं कचज्जियाँ एंड कामचोर, वो ऐसे ही बोलतियाँ हैं कि ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे लोग कैमरे च हर एक दा कर इदा ही आ सकदी है। पति रिएक्शन प्लीज। मैं क्या तू आज गुल बदन लग दी थी। ओके दाई दोस्तों, हिम्मत को मैं इसलिए अच्छी लग रही हूं क्योंकि उसे फोन चाहिए, और पति को मैं इसलिए अच्छी लग रही हूं क्योंकि उन्हें पता है कि ये वीडियो सारी इंटरनेट पे जाएगी, इसलिए वो जबरदस्ती के रिव्यूज दे रहे हैं। हस्बैंड तो मैं इंडियन आउटफिट च वधिया लगदी हां, तुम्हें लगदा कि मैनु इंडियन आउटफिट चंगे लगदे आ? व्हाई नॉट, मैं तेरी फन करो। चंगा नहीं लगता यार। नहीं, जिन्नू बंदा चाहुंदा हो यो ते हरी नहीं, यू कैन से इट इफ यू थिंक। वधिया लगदी आ रे, मेनू कोई इदां दा आउटफिट मेरे सामने आया नहीं कि जेड़ा मैं तैनू कहां कि ना ना पाए। ओ यार, ओ सो गुड, तू मेरे बारे दस हुन माड़ा यार। आ तू ही मेनू वधिया लगदे आ सूट च। केड़ा सूट? सूट्स च बॉयज दे जेड़े सूट हुंदे आ। नहीं, ओ बड़ा पेशावरी सूट। या यू लुक गुड इन पेशावरी सूट, कुर्ता पजामा, any suit you look good. okay you don't look good in this outfit, regular kacha and regular t-shirt. I love it. oh no, it is so comfortable. okay you look good in anything. okay dosto, to husband ne bahut zyada acche bahut zyada ठीक ठाक किस्म के विचार दे दिए हैं आज, सो जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाऊँगी अपना ऊपर जो भी मेरा सामान है समेट के वापस आती हूँ, फिर नॉर्मल बन के लाइक कंफर्टेबल कपड़े पहन के आती हूँ, तब मैं बातचीत करूँगी आपके साथ। तब तक हस्बैंड मेरे लिए कोई स्नैक बना दे प्लीज़। और लाइट दोस्तों, हस्बैंड के रिव्यूज़ के बाद मैं मेरे कपड़ों को चेंज करके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेरे कंफर्ट जोन में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कुछ देर बैठना। और मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। ये न्यूज़ है ऑनलाइन लर्निंग को लेकर। मेरे हस्बैंड एंड उनकी टीम एक बहुत ही अच्छा आइडिया एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आई है उन दोस्तों के लिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं।
एक्चुअली ये आइडिया हमको कब आया, जब ये कोविड की सिचुएशन थी एंड हिम्मत घर पे था और कुछ भी करने के लिए नहीं है, ना ही उसका स्कूल है, तो ये प्लेटफॉर्म का आइडिया हमें वहाँ से आया. इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए. बच्चों की एज 4 से 8 के बीच हो सकती है, या एक्चुअली छोटे बच्चे भी हो सकते हैं अगर वो लर्न करना चाहते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा. इस प्लेटफॉर्म का नाम है extraactivities.com. इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. उसी के साथ मैं छोड़ दूंगी इस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का इंस्टाग्राम पेज. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि हमारे प्लेटफॉर्म में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कौन से कोर्सेज़ की ड्यूरेशन कितनी है. यूजली 5 to 8 क्लासेस होती हैं, हर एक ग्रुप में 5 से 6 बच्चे हो सकते हैं. सो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि प्रेजेंट समय पे हमारे पास कौन सी क्लासेस हैं. क्लासेस चेंज होती रहती हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आती रहती हैं. प्रेजेंट हमारे पास सिंगिंग की क्लासेस हैं, आर्ट क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं. सो अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उस वेबसाइट के लिंक पे जाएं, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाए. ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक्चुअली मेरी बैटरी डाई हो गई थी तो मुझे चेंज करनी पड़ी है. सो हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं. लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, आर्ट्स हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है. सो बेसिकली इसका नाम ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, आपको नाम से अंदाज़ा लग गया होगा. इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों को करने के लिए कुछ मिल जाता है. आपको पता है कि मुझे डांस करना कितना अच्छा लगता है, तो अगर ऐसी कोई क्लासेस मुझे ऑनलाइन मिल पाए. और मुझे क्या चाहिए, कंफर्ट, घर के कंफर्ट में आप चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं एंड बच्चों का समय यूटिलाइज हो जाएगा और वो कोई नई चीज़ सीख लेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आइडिया लगा मुझे ये. अगर हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं डालते हैं तो बच्चे ज़्यादा समय तो स्क्रीन पर ही स्पेंड करते हैं. ऐसे वो कुछ नया सीख भी लेंगे और उनको कोई नई आर्ट आ जाएगी और वो स्क्रीन से भी दूर रहेंगे, क्योंकि आपको घर के कंफर्ट से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है और बच्चे भी कुछ चंगा काम कर रहे हैं. तो ये जो आर्ट के या बाकी चीज़ों के क्लासेस हैं, ये बिगिनर टू एडवांस लेवल के हैं. अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका लेवल थोड़ा एडवांस है तब भी आप कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि ये जो हमारी क्लासेस है ग्रुप्स में है, लाइक ग्रुप बहुत बड़े नहीं है, 5-6 बच्चों का होगा. अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1-on-1 है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अकेले को ही लेसन दिया जाए तो वो भी किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील. और ये जो हमारी क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है, पैसे कम से कम लगे और बच्चे को कुछ ज्यादा अच्छा आ जाए, यही हमारा प्लान है. सो ये काफी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाएं और डिटेल में देखें. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप मेरी ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, वो भी मैं नीचे छोड़ दूंगी. इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी extraactivities.com के इंस्टाग्राम पे जाके मैसेजेस कर सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है. अगर आप टीचर हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं और आप इंटरनेट फ्रेंडली हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में हैं, आप कहीं से भी रह के हमारे टीचर बन सकते हैं. सो आप हमें एज आ ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए भी आप मेरी ईमेल पे या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की ईमेल पे हमें अपना बायोडाटा भेज सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप हमें ट्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले स्टूडेंट हैं तब भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर आप आर्ट टीचर हैं, सिंगिंग टीचर हैं, लैंग्वेज की टीचर हैं, उर्दू सिखाती हैं, पंजाबी सिखाती हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो प्लीज़ हमें अपना बायोडाटा जरूर से भेजें ताकि हमारी टीम का हिस्सा बन पाए आप और अपनी एजुकेशन या अपनी कला बच्चों के साथ शेयर कर पाएं. या यही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके पास कोई भी शंका है, क्वेश्चन है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. मैंने जो ईमेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई डोंट नो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, पर एक बार जरूर से हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसको चेक करें. अगर आपको कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो हमें कॉन्टेक्ट करें. सो मैं वेट करूँगी टीचर्स का एंड स्टूडेंट्स का. That's it. Yes. अब हम पति की और हिम्मत की खबर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. Guys, I'm feeling very sad and very low. You know why? ओ यार मैंने तो इतने बढ़ा था.
गाइस आई एम सो टायर्ड एंड सो लो. एक्चुअली मैं अभी किसी की वीडियो देख के आई हूँ, वीडियो नहीं मैसेजेस पढ़ के आई हूँ आपके, एंड कई और वॉइस मैसेजेस भेजे हैं और आप लोग रो रहे हैं उसमें. क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलेट कर सकते हैं मेरी नवी वीडियो. बट यार पता क्या है कि मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लीज़ दुखी मत हो. एक गर्ल ने बेचारी ने बहुत रो रो के मैसेज किया था, और लाइक वो कहती कि जो तू एक एक शब्द बोल दिया डरा था कि मेरे लिए बोलने दी, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकती. करी कि हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, पर किन्नी बार उनको दसेंगे कि मैं पेन में हूँ. मेरे हस्बैंड भी प्यारे हैं, पर मैं किन्नी बार दसा, और कई बार मैं बताती नहीं हूँ, पर फिर बोलती रहनी मेरा मोटा दुखदा. वो भी दिख रही मेरा मोटा दुखदा, मेरा दुखदा, मेरा दुखदा. कहीं पति भी किन्नी बार समझे. यार तू हम जलील करन लिए अगे ले आंदा क्या? नहीं मतलब पति तो प्यारा है, पर पति फील नहीं ना कर सकता. यार ऐसी कहने यार ठीक हो जा, तंदुरुस्त हो जा. तो ही नहीं, यू आर गुड बट आई एम नॉट गुड. आई नो दैट बट यू डोंट हैव टू वरी, यू आर गोना बी ओके. ओके दोस्तों, तो या मैं मैसेजेस पढ़ के बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा सारा कुछ जाग जाता है, मैं भी सेम इमोशन से गुजर रही हूँ. पर प्लीज़ कोशिश करें कि मेंटली स्ट्रांग रहें, कि आपको ना पति समझेगा ना बच्चा समझेगा, इसलिए उनको आप परेशान नहीं कर सकते. जहाँ ये पति सोने की एक्टिंग करेगा ना, करते मुक्का मार के उठा. सो या मैं आपके ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव डस्ट छोड़ रही हूँ. आई होप कि आपकी ज़िंदगी प्यारी प्यारी हो जाए. एंड यहीं पे इस व्लॉग को फिनिश करते हैं. उम्मीद करती हूँ कि इसको आपने इंजॉय किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. आने वाले समय में हम बहुत सारी रूमोटॉइड से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, स्पेशली रूमोटॉइड से रिलेटेड दोस्तों के लिए जिनको इंटरेस्ट है, और बहुत कंफर्टिंग लगती हैं मुझे पता है. एंड थैंक यू आपके मैसेजेस करने के लिए कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी. बहुत सारी और बातें करेंगे हम, आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें. एंड जो भी मैंने extraactivities.com के बारे में बताया है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर उसी का लिंक है. एंड ईमेल करें, हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए. एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्वीटी. दैट्स इट. बाय, लव यू.